हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जायका किचन। आज मैंने यहाँ पर बर्फ़ी की रेसिपी शेयर किया है, लौकी की बर्फ़ी। और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा लौकी ले लिया है और इसे चाकू की सहायता से इसके ऊपर का पार्ट पूरा हटा लिया है, बिल्कुल इस तरह। अब हम इसे ग्रेटर की सहायता से ऐसे ग्रेट कर लेना है, बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर लेना है बर्फ़ी बनाने के लिए। तो ये देखिए आप, ये हमने करके तैयार कर लिया है, इतना बारीक आपको ऐसे कर लेना है। इसके बाद हम इसका पूरा पानी हटा लेंगे। गैस का नॉब ऑन किया, इसके बाद इसमें पैन रख दिया है। पैन में हमने 1 चम्मच घी ऐड करने के बाद ये जो लौकी हमने कद्दूकस करके रखा था उसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसे कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम में हम लौकी को अच्छे से पका लेंगे ताकि लौकी जो है वो स्टीम में अच्छे से पक जाए। आप चाहे तो ढक्कन लगाकर भी इसे पका सकते हैं। लौकी जब अच्छे से पक जाए तभी हम इसे इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो बस ऐसे चम्मच चलाते हुए हमें इसे अच्छे से पका लेना है। और ये देखिए आप, लौकी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसमें आधा कप शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर की क्वांटिटी आप आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकती हैं, जितना आपको मीठा पसंद है। बस ऐसे करके ये शक्कर को कंटिन्यू पका लेना है जब तक कि शक्कर मेल्ट ना हो जाए। और ये शक्कर मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है और शक्कर के साथ लौकी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसमें आधा कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अब हमने जो दूध पाउडर ऐड कर दिया है तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लौकी और शक्कर के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे तब तक पका लेना है जब तक ये थिक होना ना स्टार्ट हो जाए। तो आपको मीडियम फ्लेम रखना है गैस का, और गैस की मीडियम फ्लेम में ही आपको ये लौकी को कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए पकाना है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये देखिए आप, लौकी जो है वो काफ़ी थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब ये पक्का बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें 1 ड्रॉप पिस्ताचो ग्रीन कलर ऐड करेंगे। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ग्रीन कलर बिल्कुल भी स्किप कर सकती हैं, तब भी बर्फ़ी बनकर बिल्कुल भी तैयार है और अच्छे से सेट होगी। और ये बैटर में हमने 1 ड्रॉप ऐड किया था ग्रीन कलर और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हमने ये थाली में थोड़ा सा घी अप्लाई करने के बाद जो बैटर बर्फी का बनाकर तैयार किया था उसे इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसे सेट कर लिया है। सेट करके इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का बूरा ऐड किया और थोड़े से हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता काट कर ऐड कर दिया है और इसे नाइफ की सहायता से बर्फ़ी के शेप में कट कर लिया है। 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद ये देखिए बिल्कुल बर्फ़ी बनकर तैयार है और ये कितनी बढ़िया बनी है और इसका बढ़िया शेप आया है। तो अगर आपको ये बर्फी बनाने की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।